स्टर्नम बोन, प्रीवियस लेक्चर देख लिया अगर किसी को याद नहीं है तो। ये सारे डिप्रेशन क्या थे, ये सारे फेसेट्स थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फेसेट क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर रिब आके आर्टिकुलेशन करती है, आर्टिकुलेशन मीन जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिब जो है जॉइंट बनाता है, तो सेम ये फेसेट किसके लिए हैं, चाहे वो सुपीरियर डीमी फेसेट हो या इन्फीरियर डीमी फेसेट हो, चाहे वो ट्रांसवर्स प्रोसेस का फेसेट हो, ये भी आर्टिकुलेट होगा। ये सारे फेसेट किसके साथ आर्टिकुलेट होंगे, रिब के साथ। देख ले स्टर्नम में जितनी भी फेसेट्स है, ये साइड्स है, अटैचमेंट साइड है किसके लिए, रिब्स के लिए। टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स, 24 रिब्स होते हैं, 12 एक साइड पे और 12 जो है दूसरे साइड पे, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो 12 रिब्स इस साइड पे होंगे, 12 रिब्स इस साइड पे होंगे। जो रिब्स और स्टर्नम के दरमियान जंक्शन बने हुए है, वो विद हेल्प ऑफ फेसेट्स बने हुए हैं। सेम वर्टेब्रा के साथ भी रिब्स अटैच होंगे, और रिब्स कहाँ पे अटैच होगा, सुपीरियर डीमी फेसेट के साथ, इन्फीरियर डीमी फेसेट के साथ, राइट पे, लेफ्ट सुपीरियर डीमी फेसेट, लेफ्ट इन्फीरियर डीमी फेसेट, और साथ में ट्रांसवर्स फेसेट। ये साइड्स जो है ट्रांसवर्स, सुपीरियर डीमी फेसेट, इन्फीरियर डीमी फेसेट, और जो मेनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम की में फेसेट्स है, ये सारे फेसेट जो है, ये सारे फेसेट रिब्स के लिए हैं। कितने रिब्स के लिए हैं, 24 रिब्स, 24 राइट एंड लेफ्ट जो है 12 होते हैं। अब ये वाला जो फेसेट है ये रिब के लिए नहीं है, ठीक है, ये किस के लिए है? ये मैं लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, दो फेसेट यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये जो पेडिकल है, पेडिकल इसके दरमियान, ये देख ले, यहां पर मैं आप लोगों को शो कर रहा हूं, यहां पर दो फेसेट, ये जो पेडिकल पार्ट है इसके ऊपर ये दो फेसेट होंगे, ठीक है, ये वाले, और ये भी रिब्स के लिए नहीं होंगे। रिब्स के लिए स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर जो फेसेट हैं, और ये जो पेडिकल के ऊपर दो फेसेट है ये रिब के लिए नहीं है। बाकी ट्रांसवर्स फेसेट और बॉडी के ऊपर जो फेसेट है ये रिब के लिए होता है, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा और क्लियर लिखता हूं, ट्रांसवर्स फेसेट दो होते हैं, बॉडी के ऊपर जो फेसेट हैं ये चार होते हैं। ये साइड्स किसके लिए होते हैं, ये रिब्स के लिए होते हैं। बाकी जो स्पाइनस प्रोसेस हैं और पेडिकल के ऊपर, यहां पर एक है और पेडिकल के ऊपर एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे, तो यहां पर दो हैं। तो ये जो है ये रिब्स के लिए नहीं है, ये साइड्स रिब्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये साइड्स किसके लिए हैं, इसके थ्रू एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के साथ जॉइंट बनाता है। देख ली, हम कहते हैं कि टोटल वर्टेब्रा जो है T1 से लेकर T12 थोरेसिक वर्टेब्रा। अब जाहिर बात है T1 जो है ये C7 के साथ भी अटैच होगा, T2 के साथ भी अटैच होगा, T2 जो है ये इसके साथ भी अटैच होगा और नीचे इस वर्टेब्रा के साथ भी अटैच होगा, T3 जो है ये ऊपर T2 के साथ अटैच होगा, T3 नीचे T4 के साथ अटैच होगा, T4 ऊपर T3 के साथ अटैच होगा और नीचे T5 के साथ अटैच होगा। ये जो अटैचमेंट है बिटवीन वर्टेब्रा ये कौन प्रोवाइड करता है, ये स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर जो फेसेट हैं और पेडिकल के ऊपर जो दो फेसेट हैं, ठीक है। ये कनेक्शन जो है इसके थ्रू होती है, इसी को कहते हैं इंटर, इंटर मीन बिटवीन, किसकी बिटवीन, दो वर्टेब्रा की बिटवीन, इंटर वर्टेब्रल अटैचमेंट मींस के जो एक स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर फेसेट है और दो पेडिकल के ऊपर फेसेट है, ये क्या करता है, ये इंटर वर्टेब्रल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है कि एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा के साथ अटैच हो जाए। तो इसी वजह से ये सारे वर्टेब्रा एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। अच्छा,
ये जो हॉल है इसमें वर्टेब्रल बॉडी वर्टेब्रल कॉलम जो है या स्पाइनल कॉर्ड जो है रन करती है, इसको स्पाइनल फोरामिना कहते हैं, स्पाइनल फोरामिना या स्पाइनल कैनाल, और ये बॉडी है या सेंट्रम, ठीक है। अब हम आएंगे प्रॉपर फोकस करते हैं थोरेसिक वर्टेब्रे के ऊपर। देख ले यहां पर मैं लिख रहा हूं थोरेसिक वर्टेब्रा। इसके अब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मींस कि थोरेसिक देख ले सारे ये वर्टेब्रा है, सारे वर्टेब्रा है, लेकिन इस वर्टेब्रा और इस वर्टेब्रा में डिफरेंस होगी जरूर, इसमें डिफरेंस होगी जरूर, ठीक है। तो इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इसकी क्या खसूसियत है, इसकी खसूसियत यह है कि C1 जो है ये स्कल ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच हुआ है, इसका साइज स्मॉल है, इसका मतलब इसमें स्पाइनस प्राइसिस नहीं होती, इसकी सेपरेट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर। तो सेम इस तरह इसकी सेपरेट फीचर्स होंगे, सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, सेम इस तरह लंबर की भी अपनी अपनी सबकी सेपरेट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आया हम देखते हैं कि थोरेसिक वर्टेब्रा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम यहां पर गौर कर लें, ये देखिए प्रैक्टिकल एक वर्टेब्रा है थोरेसिक वर्टेब्रा, इस पर लिखा हुआ है थोरेसिक वर्टेब्रा नंबर 6, ठीक है। देख लें ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये एक ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये दूसरा ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये है स्पाइनस प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो स्पाइनस प्रोसेस होता है जो बिल्कुल बैक साइड पे है, स्पाइनस प्रोसेस इज ऑलवेज क्या होगा, इंफीरियरली होगा, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर। देख ले ये बैक साइड पे भी है और इसका जो डायरेक्शन है ये इंफीरियर साइड पे है, ठीक है। अगर यहां पर मैं आप लोगों को दूसरा वर्टेब्रा दिखाऊं, लेट सपोज ये T6 है और ये T5 है, ठीक है, तो मींस कि ये इसके ऊपर होगा, इसकी ये ऊपर होगा। तो देख ले इसी तरह ये ऊपर होगा, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस का डायरेक्शन क्या आ रही है, इंफीरियरली आ रही है। ये दो वर्टेब्रा मैंने अटैच किया, यहां पर दी स्पाइनस प्रोसेस इसका डायरेक्शन इंफीरियरली है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सर्वाइकल स्पाइन में इस तरह इंफीरियरली नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टेब्रा में इंफीरियरली होगा। नोट कर ले हम सेपरेट फीचर्स पढ़ रहे हैं थोरेसिक वर्टेब्रा के, ठीक है। तो ये देख ले इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है ये इंफीरियरली डायरेक्शन में आ रही है। अब सेकंड, इसका जो बॉडी है, बॉडी इसको क्या कहते हैं, वर्टेब्रल बॉडी। ये वाला बॉडी मैंने डायग्राम में ड्रा किया था, यहां पर देख ले आप लोग, ये वाला जो बॉडी मैंने ड्रा किया था ये वो वाला बॉडी है, ठीक है। इसका बॉडी का शेप जो है ये हार्ट शेप होता है, जो अदर वर्टेब्रा है चाहे वो सर्वाइकल हो लंबर हो, इसका वर्टेब्रा का जो शेप है ये हार्ट शेप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टेब्रा का जो बॉडी है ये क्या होगा, हार्ट लाइक, ये देख ले ये हार्ट की तरह होता है, ठीक है। थर्ड, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे। अब जो लंबर है, ठीक है, अच्छा सेक्रम है या कोक्सिक है या सर्वाइकल, इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं होते, या जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो इसके लॉन्ग ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ये भी एक इसका सेपरेट फीचर्स है, ठीक है। ये पीडिकल्स है, देख ली ये जो फिडिकल के ऊपर दो फैसेट मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। अच्छा, बॉडी में लेफ्ट और राइट साइड पे, राइट एंड लेफ्ट साइड पे इसकी दो क्या होंगी, डीमी फैसेट होंगी, जो मैंने आप लोगों को बताया हाफ फैसेट होंगी, और ये हाफ फैसेट किस लिए होंगी, रिब्स के लिए होंगी। अब गौर कर ले लंबर स्पाइन जो लंबर रीजन है वहां पर रिब्स नहीं है, तो वहां पर रिब्स नहीं है तो वहां पर फेसेट्स भी नहीं होंगे, तो फेसेट सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टेब्रा में प्रेजेंट होते हैं, ना सर्वाइकल स्पाइन में फेसेट्स होते हैं, ठीक है, ना लंबर में और ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ जो फेसेट प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, थोरेसिक वर्टेब्रा में। तो ये इसका अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है। थर्ड, अच्छा फिफ्थ वन क्या है,
एक फेसिट जो